जरा अजय से, अजय से इसका जवाब ले लें। अजय, दो सवाल मेरे जहन में। पहला सवाल अमीर अब्बास के लास्ट जो उन्होंने जवाब दिया उसका, कि क्यों इंडियन मीडिया जो है वो हर वक्त पाकिस्तान अगेंस्ट टॉक शोज करके विनिंग ट्रॉफी लेना चाहता है, क्या वजह है सर इसकी? हम हेल्दी डिबेट भी तो कर सकते हैं, हम किसी ऐसे पॉइंट पे भी आ सकते हैं जहाँ पे जी हेल्दी जवाब। मीडिया की बात करते हैं, देयर आर मीडिया एंड मीडिया। मैं भी एक एंकर हूँ, आज ही मैंने प्रोग्राम किया एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पे मैंने मेरे ख्याल से एक महीने से कोई प्रोग्राम नहीं किया होगा। मैंने आज वैक्सीन पे प्रोग्राम किया आधे घंटे का, ठीक है ना? सो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन पाकिस्तान। सो अगर आप चार चैनल या दो चैनल बोल के आप कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया ऐसे कर रहा है, वो गलत बात होगी। यू कैन नॉट जनरलाइज। तो मीडिया के भी अलग अलग सेगमेंट होता है। हो सकता है एक चैनल की आपकी पॉलिसी हो एंटी पाकिस्तान, हो सकता है दूसरी चैनल की पॉलिसी हो कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को आप प्रमोट कीजिए। सो यहाँ पे ये एक समझना जरूरी, आपके यहाँ भी होगा, बिल्कुल ऐसे आपके यहाँ भी चैनल्स है, अलग अलग चैनल्स है, अलग अलग प्रोग्राम करते होंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द चैनल का पॉलिसी। सो यू कैन नॉट जनरलाइज मीडिया। जी दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि क्यों पीस डायलॉग पे इंडिया नहीं चले। आपने मीडिया की तो बात बताई कि सब ऐसे नहीं है, तो पीस डायलॉग पे क्यों? पीस डायलॉग पे अभी मेरे जो पहले स्पीकर थे वो उन्होंने बहुत कुछ बोला कि इंडिया भाग जाता है, ये है वो है। तो उसपे मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, ठीक है? उन्होंने बात की, बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, मसूद अजहर कौन है? मसूद अजहर आप, ये रिकॉर्डेड है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मसूद अजहर को 99 जब हाईजैकिंग हुई थी इंडियन एयरलाइंस 814 की, वो जो कंधार ले गए थे उसके बदले जो छोड़े गए थे जो तीन आतंकवादी, उनमें से मसूद अजहर था कि नहीं था, रिकॉर्डेड है कि नहीं है? अगर इंडिया बोलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटीज में, चाहे मुंबई में मुंबई हमले के पीछे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इतना प्यार क्या है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मसूद अजहर के साथ कि वो भारत के साथ रिश्ते निभाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उसको हैंडओवर नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसे ये तो पता ऐसे है, तो कोई बात नहीं है ऐसे। ये तो सब एक मिनट जी जी, ये क्या ये रिकॉर्डेड नहीं है कि उसको छोड़ा गया था भारत की जेल से? वो एक हुजी का आतंकवादी था, टेररिस्ट था, जिसको हाईजैकिंग में छोड़ा गया था, ये रिकॉर्डेड है? क्या ये रिकॉर्डेड नहीं है कि जैश ए मोहम्मद का हेड है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन का? क्या ये रिकॉर्डेड नहीं है कि मसूद अजहर ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था सर? स्टेटमेंट इशू किया था कि पुलवामा का अटैक हमने किया है, क्या सर, ये रिकॉर्डेड नहीं, नहीं, नहीं है? सर फिर तो हम भी गिनवाएंगे तो ना सर, हम भी गिनवाते हैं फिर। कुलभूषण यादव तो बहुत ज्यादा दूर मत जाए ना अजय, इंडिया को सौंप दे सर। नहीं नहीं अजय मेरी बात सुने सर, फिर हम बहुत दूर नहीं जाते ना, आप देखिए हम बहुत दूर नहीं जाते ना। कुलभूषण यादव तो आपका आपका सर्विस आपका सर्वे मतलब सर्विस पे था ना, नेवी का था, तो फिर उसने एक्सेप्ट की सारी बातें। कुलभूषण यादव को तो आप पकड़ के रखे हो ना, आप दे दो ना हमको ये मसूद अजहर को तो हैंड ओवर करो। हाफिज सईद को तो यूएन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर किया है। हाफिज सईद को कल हाफिज सईद को बैन किया हुआ है, हाफिज सईद नजरें बंद है सर। ऐसा ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान जो है वो, अगर कोई ऐसे सबूत मिलता है तो पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन ना पाकिस्तान के सहाफी किसी के साथ मिलके जो है प्लान करते हैं पुलवामा का, और 20 मिनट पहले जो है वो पुलवामा अटैक पे वहां पहुंचा हुआ है अर्नब, और वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहा है और उसके सारे मैसेजेस क्लियर है सर। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। माजरत के साथ अर्नब क्या क्लेम करता है, आई कैन नॉट, मैं उसका वकील नहीं, मैंने पहले भी बोला नहीं, नहीं वो आपकी बात से, लेकिन सर हम बात कर रहे हैं तो डिस्कशन क्या, क्या नहीं कर रहा, डिस्कशन तो फिर होगी ना हर एंगल से। एक मिनट जी, एक मिनट मैं मसूद अजहर से अर्नब गोस्वामी पहुंच गए। मसूद अजहर को मैं आपको सवाल सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, क्या वो उसको छोड़ा नहीं गया था इंडियन जेल से 99 हाईजेकिंग में? क्या छोड़ा गया था कि नहीं छोड़ा गया था? तो अगर उसको छोड़ा गया है, वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उसको वापस हैंड ओवर क्यों नहीं करते?